कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो श्री गिरिराज धाम आश्रम में बहुत ही भव्य बहुत ही दिव्य मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम 15 साल से निरंतर ऐसे ही दिव्य और भव्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। ठाकुर जी के अनन्य उपासक जन यहाँ उपस्थित हैं, शहर के वशिष्ठ जन, देश विदेश से भी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और बड़े ही भाव से भावित होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक होते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। नगरवासियों का सुंदर मैसेज है कि आप आइए, बड़े भाव से आइए और इस दिव्य आनंद को अपने हृदय में उतारते हुए अपने जीवन को कृत कृत कर लें, धन्य धन्य कर लें, क्योंकि हमारा निरंतर प्रतिदिन श्रवण नारायण भगवान का यज्ञ होता है श्री गिरिराज धाम में। वो यज्ञ का जो संकल्प है वो विश्व की परम शांति, विश्व में परम शांति हो, विश्व का कल्याण हो। इसी शहर वासियों को अमृतसर दे विच जिहड़ा अज प्रकट दिवस है भगवान कृष्ण का, उहदे शहर वासियों को पूरे दिल की गहराइयों तो मैं बधाइया और शुभकामनाएं भेजदा वा। और मैं एक अरदास करदा वा ठाकुर जी नूं कि कल्याण जिहड़ा साडा समाज का कल्याण आ, वो जिदा वो द्वापर युग दे विच आए सी उस तरह इस कलयुग दे विच भी अपना मेहर भरे हाथ रखन। और अज उन्हां दा अवतरण दिवस आ और रात नूं 12 बजे बड़ी हर्षोल्लास ना ये सारा सैलीब्रेट होना। पर उदी जिहड़ा संकीर्तन आ गिरिराज धाम आश्रम गोल्डन सिटी एयरपोर्ट रोड जिहड़ा स्वामी जी के नेतृत्व दे विच लगातार 15 वर्ष तो असी मना रहे हैं, इसकी भव्यता और सुंदरता ये मेरे मैनू लगता क्योंकि मैं भावुक होकर गल कह रहा सभी सारी जगह सारे मंदिरों बहुत अच्छा मनाया जाता वा, पर इसकी जी सुंदरीकरण जिहड़ा इहदा फुलां दी सजावट या इहदे विच जिहड़ी एक एक चीज़ बरीकी देखी जाती आ, यही इहदा विशेष एक रूप आ। और अज भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव आ, प्रकट दिवस आ, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं शहर वासियों को और उन्होंने दिते हुए काम जिहड़े भी उन्होंने अपने समाज को दसे आ, जो उन्होंने महाभारत के युग जो उस बोलिया वो साढ़े जीवन से असी उतारीए ताकि अपना जीवन कृतज्ञ करिए।